भ्रष्टाचार, छोटे किसान लुट जाएंगे, इनके ऊपर बड़े बड़े वो व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा, बड़े बड़े जागीरदार लोग आ जाएंगे, कहीं ऐसा कुछ नहीं। MSP खत्म हो गई, MSP पर कोई कानून नहीं बना। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जब 67 में ये नीति आई थी, कानून नहीं आया था, MSP एक नीति थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, जो एग्रीकल्चर वाले एक रेट फिक्स करते थे धान का, पैडी का, तिलहन का, बाजरे का, मक्की का, यानी MSP के अंदर आती 23 वर्ष में। उनमें से 7 वो खाने वाली हैं, कुछ कैश क्रॉप हैं जैसे कपाह हो गई, गन्ना हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें 23 वर्ष में इसमें आती थी। तो इसके ऊपर नीति बनी थी और नीति के साथ इसके रेट फिक्स करते थे ये लोग। तो वो आगे गवर्नमेंट का काम है, माने या ना माने। एग्रीकल्चर वाले बोलते थे इस रेट के ऊपर, इस भाव के ऊपर ये फसल खरीदो, आगे मानना ना मानना गवर्नमेंट का काम था। लेकिन वो 67 से आज तक चल रही थी और आज भी चल रही है। आज भी मंडियां पंजाब के अंदर खुल गई हैं, आज भी मंडियां हरियाणा के अंदर खुल गई हैं। अभी हमारे यहाँ पे अंदर, यहाँ पे तो मंडियां ना थी पहले, ये 2008 के बाद मंडियां खुलना शुरू हुई थी, जब हम 8 लोग MLA बन के गए थे। उसके पहले यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करती थी, MSP पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर अगर कोई प्रोक्योरमेंट होती थी वो करती थी छोटी प्राइमरी सोसाइटीज, और फिर वो प्रोक्योर करके अपने अपेक्स सोसाइटी उसको देते थे, वहाँ से जाकर FCA को जाता था, ठीक है जी। तो जब 87 में सोसाइटी डिफॉल्टर हो गई, कोई कारण था, कोई 10,000 रुपये का कोई माफिया का एक नारा दिया था BP सिंह की गवर्नमेंट ने, उस समय माफ जब हुए नहीं, सारे के सारे किसान भाई हमारे डिफॉल्टर हो गए, तो फिर जाके प्रोक्योरमेंट बंद हो गई। उसके बाद 22 साल तक प्रोक्योरमेंट बंद रही, 22 साल कहाँ थे उस समय जे कांग्रेस ही। इन्हें 22 सालों के बीच में जो हमारे लोग आज बड़े बड़े वो बैनर लेके घूम रहे हैं, ये खुद मंत्री रहे हैं, इनमें से खुद कई तो ऐसे हैं जो खुद किसानी से जुड़े हुए हैं, जिनके घर की खेती अपनी और खुद वो खेती करते हैं, उन्हें उस समय याद नहीं आई किसानों की। आज उन्हें MSP याद आ रही है कि हमारे किसान भाई लुट जाएंगे, हमारे छोटे जमींदार भाई लुट जाएंगे, 22 साल कहाँ सोए थे जी। उसके बाद जब हम लोग जीत के गए 2008 में, हमारे 8 MLA जिनमें हम लोग किसान थे, क्योंकि मैं खुद खेती से जुड़ा था, तो उस समय मैंने जब सोचा और भी देखा यार कश्मीर का अगर सेब बाहर जा सकता है, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है लेकिन है तो क्रॉप ही है ना वो भी एक, अगर वो बाहर जा सकता है लखनपुर के बाहर, तो हमारी बासमती क्यों नहीं। फिर जाके हम इसके ऊपर एक वो लाए थे रेजिडेशन, फिर वो गवर्नमेंट को इसके ऊपर बैन हटाना पड़ा। लेकिन फिर भी मंडियों के लिए हमें सड़कों में आना पड़ा, हमने पुंछ वाला रोड हमने जाम लगाया, उसके बाद जाके मंडियाँ खुली थी। शायद एक बार वो आपको देखा होगा, हमने एक सेक्टर के बाहर मेरे साथ मेरे श्यामलाल जी थे चित्तगढ़ वाले MLA, हमने वो लाल शाल पहन के कुछ गए थे, हमने आधा घंटा तक किसानों को क्या मैसेज देंगे लास्ट में सिविल किसानों को। मैं भैया उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनकी ना MSP पहले जैसे 2008 से जब से हम MLA बने हैं, तब से MSP के तहत उनकी मंडियाँ खुल रही हैं और आगे भी उनकी मंडियाँ खुलेंगी, उन्हें कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, अभी देखा 2 साल से जो एक पिछले साल से जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए जिनकी 4 एकड़ के नीचे ज़मीन है 6,000 रुपया पर ईयर, यानी 3 किस्तों में 2,000 रुपये की 3 किस्तों को 6,000 रुपया जो हमारे छोटे किसानों को मिलता है, जो आज तक कहीं किसी ने सोचा नहीं था कि ये चीज़ भी मिलेगी। तो अभी इसके साथ अभी आपने देखा MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 6 के बजाय हमारे शिवराज जी ने 10,000 कर दिया उनको एक साल के अंदर 10।